जी आदाब सबको, कैसे हैं दीबक भाई, मैली मैडम, जी सब हम ठीक सारे हैं कुशल जी, हैं? जी बोलिए। जी हाँ, जिसका दिमाग बिल्कुल फालतू है वो इन जैसे लोगों के साथ बहस करना शुरू कर दे। तो मैं बस वो कहना चाह रहा था कि मैंने एक वीडियो देखी थी कल, हमारे हमारे ही इलाके के हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, तो वो उन्होंने एग्री किया कि एथियस जो है ये बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो रहे हैं और मुल्क को भी एक सेकुलर कंट्री बना देना चाहिए। खैर उनकी वो वीडियो जो है उसने मुझे बहुत हैरान किया, वो मेरे ही रीजन से तलक रखते हैं। तो ये क्रेडिट गोज टू मैलीज यू, गालिब एंड हारिस। तो मैं जो है बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि 2-3 साल की जो आपकी स्ट्रगल है वो अभी कुछ ना कुछ रंग ला रही है। मैं तो आज ही किनको सुबह मैंने देखी ये वीडियो। मैं सुबह नाश्ता कर रहा था तो मैं जी ये देख रहा था, मैं साथ इतना हंस हंस के अकेला ही मेरा तो सत्यानाश हो गया। कौन सा वीडियो है ये, कौन सा वीडियो है इंजू जी? ओह ये नया मैं वीडियो, ये नया, ये कल 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 उन्होंने किया था जी। चैट में, प्राइवेट चैट में उसको ना वो करता हूँ, पेस्ट करता हूँ मैं उसको। हाँ अच्छा, इसमें देखो, क्या है? मैं अभी खोल नहीं सकती उसको, तो उसमें क्या है प्राइवेट चैट में उसमें उसने इसके ऊपर बात की, उसने कहा है कि दूसरा क्या नाम है कि जो एथियस हैं इतने बहुत ज्यादा एथियस हो रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा होंगे। और दूसरे नंबर पे ये उनसे इतनी तबाही मचाई है इस वीडियो में, मजा आ गया। उसने उसने बहुत वो? मजा आया। मैंने जाके कमेंट्स भी देखे, तो उसमें मैंने भी कमेंट्स जाके किए, तो सारे जो हैं यही रैशनैलिटी के ऊपर ही इसी बात पे कर रहे थे कि जो एथियस्ट हैं, मुलहिद हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हाँ हाँ, तो वो ये कह रहे मैं हैं बहुत हैरान हुआ ये सब कुछ देख के। और उन्होंने मीन बिल्कुल एतराफ किया है इस बात का कि मुल्क को जो है ना इन मौलवियों से जान छुड़ानी है, इनको ये एथियस वो फिर भी बेहतर है, मुल्क अगर सेकुलर बन जाए तो ये बेहतर होगा। क्योंकि मैं तो कहता ही चला आ रहा हूँ ना कि अगर ये मौलवी इसी तरह रहे तो ये इन्होंने पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना देना है। ये मालिश आप कहाँ उस पे क्लिप दूँ? की बात कर रहे हो जिसमें वो मौलवी साहब नहीं ऐसे नहीं कह रहे हैं? ये नहीं, मालिश कहाँ पे वीडियो लिंक दूँ नहीं है, आपको? वीडियो मोहम्मद अली मिर्जा की, ये कल आई है उनकी वीडियो। ये मालिश मैं लिंक दे रहा हूँ, ये ला, ये मैं दिया लिंक। अच्छा, वो लिंक मुझे नहीं मिलेगा। अगर आप मुझे, एंजल जी, आप मेरे उस पे हो ना, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो मुझे जी मैं भेज जी। सकता हूँ, एक मिनट ठहरिए, मैं अभी अभी भेज देता हूँ आपको। जी भेज दीजिए। ये इतनी जबरदस्त है कि आप आपका जी खुश हो जाएगा इसको सुन के ना। क्योंकि कल एक और उसने, गालिब कह रही हूँ, हारिस ने एक थी जो शेयर की थी उसमें, मगर वो मेरे ख्याल से पुरानी है थोड़ी सी वीडियो, जिसमें वो कह रहे थे कि मुल्हिद ये जो है नहीं है, वो रिसर्च करते हैं और वो तहकीक में हैं, इस तरह की बातें की थी उसने। इसको तो सुन के इतना मजा आ गया। उसने उसने तबाही मचा दिया इसमें उसने। हाँ खतरनाक आदमी था, खतरनाक। कौन खतरनाक? वो जी आया था ना, नहीं, ये ओ सही ये था, ये सही था, ये एक्सपोज अच्छा हुआ कि वो आपकी हेल्प कर रहा है एक्सपोज करने के लिए इस्लाम को ना, इसको अभी हमने तो आप एक्सपोज किया है, इसको इसी वजह से तो आग लगी है इसकी, जो तो हमने अभी वीडियो डाली है जिसमें इसने 3 मिनट में उतनी 3 झूठ बोल दिए है। खुद ही अपनी बातों खुद ही छुटाता है, फिर वो हारिस पकड़ता है इसको, हारिस ने लाइव ही पकड़ा है इसको। अभी मैंने डाली है इसकी वीडियो, जाके देखना, मैंने लिखा है यहाँ पे कि मोमिन पकड़ा गया, मोमिन फंस गया, ये इसी पे बनाई थी हमने वीडियो। तो आग लगी है, हाय मुझे म्यूट कर दिया था, कोई म्यूट नहीं किया है, तुम्हारी पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर आके तुम BDSM, अभी तो मैंने ये लगाना है ना क्लिप, BDSM और स्लेवरी एक ही है, मोमिन का दिमाग। अब देखना उस पे कितने व्यूज आएंगे। तुम लोग तो ऐसा नहीं करते हम लोगों के लिए, व्यूज के लिए। लोग भी कहते हैं चूतर चूतर लोगों की बातें सुनने के लिए, तो लोगों को बड़ा मजा आता है।